नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। आ जाओ, ये अजेलिया का प्लांट है जो कि आपको नर्सरी में। हम आज आपको मयूर पंखी के बारे में जाने बताएंगे। ये आपको 50 रुपये या 30 रुपये में मिल जाएगा। इसका जितना बड़ा पैक रहता है उतना ही दाम रहता है, 50 से 150 तक आपके नज़दीकी नर्सरी में मिल जाएगा। ये आप प्लांट बहुत जगह देखे होंगे। ये सबसे अच्छा मयूर पंखी का प्लांट होता है। ये इजी टू ग्रो होता है। ये कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। अगर 20 से लगाना है तो अगस्त सितंबर में इसमें जो बीज आता है उससे आप लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है। ये एक ही प्लांट आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब घना घना हो जाएगा। लेकिन प्लांट एक लगाना है, दो अगर आप आगे में लगा लेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इसमें काबुली चना के तरह चरखून चरखूट एक बीज निकलता है जिसमें दो सीड अंदर रहता है। आपको उस सीड से भी आप प्लांट ग्रो कर सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग कटिंग से ही ग्रो करते हैं। अगर खरीद के लाना चाहे तो खरीद के भी ला सकते हैं। आप इसका प्लांट जहाँ भी नर्सरी में मिले, आपको इसका छोटा भी प्लांट मिल जाएगा। इसको आप 15 या 20 इंच गमले में आप लगा सकते हैं। 20 इंच वाला गमला में आप लगा लीजिए या 25 इंच वाला। सीमेंटेड गमला होना चाहिए। प्लास्टिक का गमला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यह सालों साल 5-7 साल आपको प्लांट रहेगा। इसीलिए आप जितना अच्छा गमला हो और जितना बड़ा लगा सकते हैं लगा ले। अगर ज़मीन है गार्डन में तो ज़मीन पे ही लगाएं। इसका कहा है कि प्लांट बहुत दिन तक रहता है और इसको 8 घंटे की धूप आवश्यकता होती है। ठंड या गर्मी ये कहीं भी लग सकता है, ये सभी जगह सर्वाइवल है। इसका प्लांट आपको वही कभी कभी कहीं कहीं आप 7 फीट का भी देख सकते हैं। 5-7 फीट का तो आराम से हो जाता है, लेकिन उतना बड़ा होने में 2-3 साल लग जाएंगे। और नीचे से अगर छाटते रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका प्लांट जितना भी मतलब बड़ा गमला आपको मिले, गमला में आपको मिट्टी बनाना है। 75% मिट्टी और 25% वर्मिंग कंपोस्ट लेके ही बनाएं, क्योंकि जितना अच्छा मतलब मिट्टी रहेगा उतना ही अच्छा होगा। इसको आपको 6 महीना पे आपको वर्मिंग कंपोस्ट देते रहना होगा, या महीना में आप देना चाहे तो दे सकते हैं। खाद भी देना पड़ेगा, NPK 1919 डाल दीजिए चाहे जो मिले। इसमें जितना अच्छा खाद दीजिएगा उतना ही यह प्लांट चलेगा। आप इसके प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप तो ज़रूर आवश्यकता होगी। और आप इसे जितना मतलब रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जो छोटा रूट बाउंड होने का ज़्यादा चांस रहता है। और ये हार्डी प्लांट है, ये तुरंत मरने वाला प्लांट तो नहीं है जो आपको कहे जो मर जाएगा। ये प्लांट अगर आप लगा दें तो सालों साल चलते ही रहेगा, जिससे आपके गार्डन में और इसमें फल आते हैं छोटे छोटे, और वही फल से फिर आप उसको भी जर्मिनेट करके आप प्लांट बना सकते हैं। धन्यवाद मैम।